हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को दोष मत दो, मजबूरियों को दोष मत दो और हर हाल में चलना सीखो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश का एक ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो है जो उन सभी स्टूडेंट को देखना चाहिए जो इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 में इंग्लिश का पेपर देना है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 इंग्लिश के पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में, यानी कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, 2024 में क्या क्या आएगा, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो जितने भी स्टूडेंट 2024 में इंग्लिश का पेपर देंगे उनके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, या आप कह सकते हैं कि ये एक ट्रिक वाला वीडियो है जिसमें मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, पूरे इंग्लिश का हम ऑपरेशन करेंगे। देखिए कौन कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं वो मैंने लिखा है। देखिए कौन कौन से लेटर इंपॉर्टेंट है, सारे लेटर्स मैंने यहां पर लिखे, जिसको तैयार कर लोगे तो आपका नंबर कंप्लीट। आपके प्रोज पोएट्री में कौन कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सप्लीमेंट्री में कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, सब कुछ मैं इस वीडियो में एक ही वीडियो में डिस्कस करूंगा। यानी कि क्या क्या पढ़ना है ताकि आप इस बार इंग्लिश में 100 में 100 लेकर आए, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर मैंने पूरे साल अच्छे से तैयारी नहीं की है और अब बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है, क्या हम पास हो जाएंगे? पास होने से तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता अगर इस वीडियो को देखेंगे, लेकिन आपको अच्छा परसेंटेज बनाना है और जिनकी तैयारी अच्छे से हो चुकी है उनको भी ये वीडियो देखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने तैयारी तो पूरी की है बट उनको ये नहीं पता क्या क्या हमें पढ़कर इस बार जाना है। तो अगर आपका भी टारगेट है कि 100 में हम 99 लेकर आए या 100 लेकर आए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टाइम निकालकर इस वीडियो को जरूर देखिएगा, चाहे आप एग्जाम के एक दिन पहले ही क्यों ना देखें। ठीक है, यूट्यूब पर पहली बार ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत सारे लोग क्वेश्चंस आपको सारी चीजें बताएंगे बट ऐसा वीडियो आपको कोई नहीं बताएगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना और कम से कम दिनों में इंग्लिश की तैयारी कैसे करें वो मैं इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें क्लास 12 इंग्लिश के पेपर की, तो हमारा इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ठीक है, सेक्शन ए आपका रीडिंग सेक्शन होगा जो कि 15 नंबर का होगा, सेक्शन बी आपका राइटिंग होगा 20 नंबर का, सेक्शन सी ग्रामर एंड ट्रांसलेशन होगा 25 नंबर का और सेक्शन डी लिटरेचर होगा 40 नंबर का। टोटल मिलाकर कितना नंबर हुआ, 100 नंबर आपका हो चुका है। ठीक है, 100 मार्क्स, तो इतना आपको पहले पता होना चाहिए। अब सबसे पहले हम लोग एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करेंगे, राइटिंग सेक्शन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। अभी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि राइटिंग सेक्शन जो आपका है इसमें आप लोग कैसे आर्टिकल्स लिखेंगे और कौन कौन से आर्टिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो अनसीन पैसेज होगा। मैंने आपको बताया जो हमारा सेक्शन ए है रीडिंग, इसमें अनसीन पैसेज आपके एग्जाम में आएगा। ये टोटल आपका 15 नंबर का रहेगा, यानी कि 15 मार्क्स का आपका अनसीन पैसेज रहेगा। अब आप लोग कहेंगे सर इसको कैसे सॉल्व करें, मुझे इंग्लिश का ई भी नहीं आता, फिर भी टेंशन आपको नहीं लेना है, इसमें होगा क्या। देखो एक बड़ा सा आपको पैसेज दे दिया जाएगा, उसके नीचे 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 4 क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के रहेंगे 12 नंबर और 3 वोकैबुलरीज रहेंगी 1-1 नंबर के 12 और 3 15 नंबर। ठीक है, देखो यहां पे ऐसे कुछ अनसीन पैसेज दिया जाएगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। ये आपका अनसीन पैसेज है, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक आपको दिया गया, देखिए यहां तक दे दिया गया। इसके नीचे क्वेश्चन है, 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, हाउ शुड वी डू आवर टास्क। ये सारी चीजें मैं आपको पहले सॉल्व करा चुका हूं, आज के इस वीडियो को बनाने का पर्पस है कि आप वो सारी चीजें जान सकें जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से लेटर इंपॉर्टेंट है, कैसे उसको लिखते हैं, पूरा पेपर मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसे 1 2 3 4 करके आपके 4 क्वेश्चन हो गए, 12 नंबर, 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन और ये पांचवा क्वेश्चन जो है 1 2 3 करके बोके बुलेरी रहेगा 3 नंबर का, 15 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो
यहां पे जो आपका ये क्वेश्चन नीचे दिया गया है 1, 2, 3 करके, इसका आंसर आपको इसी पैसेज में ही दिया रहेगा, सिर्फ आपको ढूंढकर लिखना होगा। अगर आपको नहीं पता कैसे इसको सॉल्व करते हैं, यूट्यूब पे सर्च कीजिए अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करें, शुभम लेक्चरर वीडियो मिल जाएगा। सारी चीजें मैंने आपको बताई है, बार बार यही बताने से कोई फायदा नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूं कैसे पेपर आपका आएगा। और ऐसे आपको देखिए, ये आपको डॉट डॉट करके, जैसे यहां से स्टार्ट हुआ और इसका लास्ट वर्ड है एक्सेस, तो डॉट डॉट करके इसको लिख देना है और एक एक आंसर आपको देते हुए चले जाना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड बी डू आवर टास्क, ठीक है, तो सारी चीजें इसमें दी गई हैं कैसे आप अपने टास्क को पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो इसी में से देखिए ये लिखा है, रिसोर्सेज एंड टू कंसंट्रेट देम एट एनी मोमेंट, मतलब आप अपने टास्क को तभी पूरा कर पाएंगे जब आप कंसंट्रेट रहेंगे किसी चीज पर, ठीक है, उसको पाने की आपके अंदर एनर्जी रहेगी। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर इसी तरह आपको लिखना होता है। वैसे मैं बहुत ज्यादा डीपली यहां पे नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस पर मैं डिस्कस करूंगा। ये अनसीन पैसेज कोई नहीं बता सकता कि भैया यही वाला पढ़ लो यही आ जाएगा। हाँ, एक आइडिया सब लगाते हैं कि हाँ ये आ सकता है, उसी के अकॉर्डिंग हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन जो सेक्शन बी आपका है, इसमें आर्टिकल और लेटर जो है वो मैं बता सकता हूं कि हाँ इसमें से आएगा, उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये फर्स्ट वाला समझ में आ गया, अनसीन पैसेज में आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसके नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसका आंसर लिखिए, 15 नंबर ले जाइए। सेक्शन बी रीडिंग में देखो, राइटिंग ये आपका सेक्शन जो होगा ये 20 नंबर का रहेगा, 20 मार्क्स का, इसमें आर्टिकल और लेटर रहेंगे, आर्टिकल आपका 10 नंबर का रहेगा और लेटर भी 10 नंबर का रहेगा, जो मैं अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल पर। देखिए आर्टिकल में आपका कौन कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, सबसे पहला आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है, हाउ टू मेक गुड हेल्थ, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाए। देखिए स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ कहते रहते हैं लोग, और ये रियलिटी है। आपके पास बहुत पैसा हो लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, सब कुछ बेकार सा लगेगा। एक दिन अगर फीवर हो जाए और आपको खाना कितना भी अच्छा रख दिया जाए, आपको खाने का मन ही नहीं करेगा। तो हेल्थ इज वेल्थ और हाउ टू मेक गुड हेल्थ, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इज वेल्थ भी आता है और हाउ टू मेक गुड हेल्थ, तो गुड हेल्थ वाला अगर पढ़ लेंगे तो वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। दूसरा है टेररिज्म, ए थ्रेट टू मैनकाइंड, यानी कि आतंकवाद, ये थ्रेट एक खतरा टू मैनकाइंड मानव जाति के लिए, तो आतंकवाद मानव जाति के लिए एक खतरा, इस पर आपको आर्टिकल लिखना। आतंकवाद कितना ज्यादा घातक है हम सबके लिए सबको पता है, ठीक है, आतंकवाद। तीसरा राइजिंग प्राइसेस, यानी कि बढ़ती कीमतें, देखिए लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई आ रही है, तो उस पर भी आपको आर्टिकल लिखने को दिया जा सकता है। चौथा इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि खेल कूद का महत्व तो हमारे जीवन में क्या है, इस पर आ सकता है। पांचवा है योर प्लान फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए आपकी योजना। तो देखिए आर्टिकल लिखेंगे कैसे, जैसे हम आपको टेररिज्म पर आर्टिकल बता देते हैं। देखो यहां पे आर्टिकल हेडिंग डालेंगे, जिस टॉपिक पर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, टेररिज्म ए थ्रेट टू मैनकाइंड, आपके पास तीन ऑप्शन रहेंगे, तीनों में से किसी एक पर आर्टिकल लिखना होगा। ठीक, तो पहले आप टेररिज्म के बारे में लिखिए। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हेडिंग डाल के अगर लिखें या फिर ऐसे डायरेक्टली हम पैसेज वाइज लिखते जाएं, कौन सा सही तरीका है। देखिए पैसेज आप लिख सकते हैं, आप पैसेज वाइज भी लिख सकते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, एक एक पैसेज थोड़ा थोड़ा गैप करके, ये भी बेटर तरीका है। और आप हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो हेडिंग डाल के भी आप आर्टिकल को लिख सकते हैं। देखो यहां पे टेररिज्म पर है, तो पहले आप लिखिए टेररिज्म है क्या। टेररिज्म इज एन इलीगल एक्ट, ठीक है, विच एम टू क्रिएट फियर अमॉन्ग ऑर्डिनरी पीपुल, यानी कि टेररिज्म जो है वो एक इलीगल प्रक्रिया है, गैर कानूनी, जो लोगों के बीच डर पैदा करता है, मतलब इसके बारे में आपको लिखना है। मैंने जब आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताया था तो मैंने आपको टेररिज्म पर आर्टिकल बताया था। आप लोग सर्च करो क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा जिसमें मैंने आपको हिंदी मीनिंग के साथ बताया है, सर्च करोगे तभी मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में लिखा, फिर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, फिर यहां पे थोड़ा गैप छोड़ दीजिएगा एक लाइन का, ठीक है, फिर दूसरा पैसेज स्टार्ट करेंगे। मतलब आर्टिकल आपको डायरेक्टली एक ही पैसेज में पूरा नहीं लिख देना है, आपको पैसेज वाइज डिवाइड करके लिखना है। हेडिंग डाल सकते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और आर्टिकल आपने लिख दिया, फिर आपको हेडिंग अगर आप लोग डालना चाहें तो हेडिंग डालिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे लिखिएगा, देखो
सम मेन कॉज ऑफ टेररिज्म, कुछ मुख्य कारण, यानी कि टेररिज्म आतंकवाद के कुछ मुख्य कारण, ठीक है। फिर उस पर लिख देना जैसे प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फायर आर्म्स, मशीन गन्स, एटॉमिक बम, हाइड्रोजन बॉम्ब्स, न्यूक्लियर वेपन, मिसाइल्स, ईटीसी। मतलब ज्यादा मात्रा में फायर आर्म्स, मशीन गन का, परमाणु बम का, हाइड्रोजन बम का, न्यूक्लियर बम का, इन सब का जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, वो भी इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। लगातार बढ़ती जनसंख्या भी इसका जिम्मेदार है। पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमी भी जिम्मेदार है। लैक ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा की कमी से भी ये आतंकवाद फैलता है, ठीक है, ये सब आपका है। फिर द इफेक्ट ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म का प्रभाव क्या है, तो वो डर पैदा करता है हमारे लोगों के बीच में, ठीक है, ये सारी चीजें आपको लिखना है। फिर उसके बाद में लास्ट हेडिंग, इसमें हेडिंग वाइज लिखेंगे वो भी बेटर रहेगा, और अगर आप लोग पैसेज वाइज लिखते हैं दोनों तरीका सही है, क्योंकि किसी बुक में आपको हेडिंग वाइज दिया रहेगा तो किसी बुक में आपको पैसेज वाइज दिया रहेगा। तो फॉर्म ऑफ टेररिज्म इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री एंड अब्रॉड, ठीक है, यानी कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से टेररिज्म है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे लिखना है, ये आर्टिकल आपका था, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि आर्टिकल जो है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग लेटर राइटिंग पे चलते हैं, ठीक है। लेटर राइटिंग देखो, लेटर में क्या क्या आपको पढ़ के जाना है, मैं आपको टॉप फाइव जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं उनको मैं बताने वाला हूं। सबसे पहला लेटर है, राइट ये लेटर टू द एडिटर ऑफ योर न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकैलिटी, यानी कि राइट ये लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को ऑफ योर न्यूज़पेपर, एक समाचार पत्र के अबाउट के बारे में, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन यानी कि बार बार बिजली गुल होने ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली इन योर लोकैलिटी, अपने इलाके में, तो अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने के बारे में किसी समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे हम लिखेंगे। पहले टॉप फाइव लेटर को देख लेते हैं। दूसरा, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ योर नेशनल डेली कन्वेइंग योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, यानी कि डीजल और पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं, जो कीमतें हैं, वो लगातार बढ़ रही हैं, उस पर भी आपको एक पत्र लिखना है। तो देखो, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को ऑफ योर नेशनल डेली, एक नेशनल डेली यानी कि दैनिक जो आपका होता है, ठीक है, दैनिक संपादक के, कन्वेइंग व्यक्त करते हुए योर कंसर्न, अपनी चिंता ऑन ग्रोइंग, बढ़ती प्राइसेस, कीमतें ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, डीजल एंड पेट्रोल की। तो एक राष्ट्रीय दैनिक के संपादक को डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर अपनी चिंता को अवगत कराते हुए एक पत्र आपको लिखना है। तीसरा, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। देखिए, एडिटर लेटर और कंप्लेंट लेटर आपके एग्जाम में मेनली आता है, या तो कंप्लेन आपको करना होगा या एडिटर को लेटर लिखना होगा, ठीक है। तो राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, टू कंप्लेन, शिकायत करते हुए अगेंस्ट के खिलाफ, द शॉर्टेज, कमी ऑफ बुक्स, किताबों की इन योर लाइब्रेरी, अपने कॉलेज लाइब्रेरी में। तो अपने कॉलेज के पुस्तकालयों में पुस्तकों की कमी की शिकायत करने के लिए अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेंट लेटर हो जाएगा, मतलब शिकायती पत्र जिसको हम लोग बोलते हैं। तो लेटर में, जितने लेटर मैं बता रहा हूं, सबसे पहले इनको प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे भी है, आपको लेटर में लेटर लिखने का तरीका समझना है, हाउ टू राइट ए लेटर, व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर राइटिंग ए लेटर, ठीक है, सबसे अच्छा तरीका क्या है, तरीका समझ गए, आप किसी भी टॉपिक पर लेटर लिख सकते हैं। और जिसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है, जिसको अच्छे से ग्रामर आता है, वो इंग्लिश का पेपर बहुत इजीली सॉल्व कर देगा, क्योंकि इंग्लिश की जो रीढ़ की हड्डी है वो ग्रामर ही है। चौथा, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी कि जल विभाग कार्य वाले जो होते हैं, ठीक है, जल विभाग वाले, ठीक, कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए अबाउट के बारे में, इरेटिक एंड पॉल्यूटेड, यानी कि अनियमित और प्रदूषित वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति इन योर लोकैलिटी, अपने इलाके में। तो आपको जल विभाग कार्य वाले को अपने इलाके में अनियमित और प्रदूषित जल आपूर्ति के बारे में शिकायत करते हुए एक पत्र लिखना है, ये आपका चौथा लेटर होगा, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जो आपके यहाँ वाटर आता है, जो पानी आता है आपके एरिया में, काफी ज्यादा पॉल्यूटेड है और अनियमित है, वो नियमित रूप से नहीं आता, वो डेली अच्छे से नहीं आता है, उसकी टाइमिंग कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है, उस पर आपको एक आर्टिकल लिखना है। लेटर फाइव नंबर, राइट ये लेटर, एक पत्र लिखो टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि डीएम साहब को, जो जिला मजिस्ट्रेट है,
ठीक है, उनको पत्र लिखना है कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए अबाउट के बारे में, फ्रीक्वेंट लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे समय तक ब्रेक डाउन ऑफ पावर सप्लाई, बिजली की कटौती इन योर लोकेलिटी अपने इलाके में। वैसे इस पर अभी मैंने ऊपर बताया था, उसी तरह ये भी है, मतलब अपने मोहल्ले में लंबे समय से बिजली आपूर्ति बाधित होने से रिलेटेड आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी को एक पत्र लिखना है। तो ये टॉप 5 लेटर है जो मेरे अकॉर्डिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लेटर मैं यहाँ पे आपको लिखना सिखा देता हूँ, जो फर्स्ट वाला है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ योर न्यूज पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, यानी कि अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने के बारे में किसी समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है। तो लेटर ऐसे हम लोग लिखेंगे, देखिए सबसे पहले एड्रेस डालिए आप कहाँ से, जैसे हम मुजीरगंज गोंडा से हैं तो हम ऐसे डाल दिए, ठीक है, हमारे यहाँ पान बिजली कटौती ज़्यादा हो रही है तो हमने इस पर लिख दिया। आप जहाँ से हैं वो एड्रेस भी डाल सकते हैं या कोई और एड्रेस भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो वजीरगंज गोंडा टू द एडिटर, आप किसको पत्र लिख रहे हैं वो आपको लिखना है। जैसे टू द एडिटर, हम एडिटर को पत्र लिख रहे हैं द अमर उजाला, अमर उजाला के गोंडा, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है, पहले आपको ये लिखना है कि आप कहाँ से हैं और किसको पत्र लिख रहे हैं। जैसे हम जहाँ से हैं वो मैंने लिखा, किसको पत्र लिख रहे हैं वो मैंने लिखा। सब्जेक्ट आपका क्या है, किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको टॉपर बनना होगा या अच्छे परसेंटेज लाने होंगे तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे किस टॉपिक पर आप पत्र लिख रहे हैं। सब्जेक्ट देखिए, फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि लगातार बिजली कटौती के बारे में हम पत्र लिख रहे हैं। फिर सर लिखकर आपको अपनी चिंता व्यक्त करना है। देखो, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी, ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। यानी कि मैं अपने इलाके में लगातार बार बार बिजली गुल होने के संबंध में चिंता व्यक्त करते हुए एक पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स वी हैव बीन फेसिंग कॉन्स्टेंट पावर कट्स दैट हैव सेवरली इम्पैक्टेड आवर डेली लाइफ, यानी कि पिछले कुछ हफ्तों से हमें लगातार बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है जो हमारे डेली लाइफ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है। देखिए, इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको वर्ड बाई वर्ड इसको नहीं बता रहा हूँ। आप लोग क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट लेटर शुभम लेक्चरर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। मतलब मैंने इसको बता रखा है, आपको हिंदी मीनिंग के साथ वर्ड बाय वर्ड मैंने बताया है, ठीक है। इतना आपका हो गया। द पावर कट्स हैव डिस्टर्बड आवर वर्क स्टडी एंड डेली एक्टिविटीज कॉजिंग ए ग्रेट डील ऑफ इनकन्वीनियंस एंड फ्रस्ट्रेशन, यानी कि जो पावर कट है, बिजली की कटौती, वो हमारे काम पे, हमारी स्टडी पे, हमारी डेली एक्टिविटीज पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है, ठीक है, जिससे हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। फिर आपको अपनी प्रॉब्लम लिख दिया, फिर आपको उनसे आग्रह करना है, आई अर्ज द अथॉरिटीज टू टेक इमीडिएट एक्शन टू एड्रेस दिस इश्यू एंड इंश्योर दैट वी हैव ए कंसिस्टेंट एंड रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि मैं आग्रह करता हूं उन अधिकारियों से कि वो जल्द से जल्द एक्शन लें, हमारे इस पर विचार करते हुए एक्शन ले और हमें जो है बिजली प्रॉपर दे। आई होप दैट, फिर आपको सांत्वना देना है कि आई होप दैट द कंसर्न अथॉरिटीज विल टेक दिस मैटर सीरियसली एंड वर्क टुवर्ड फाइंडिंग ए सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। यानी कि मुझे आशा है कि इससे संबंधित जो अधिकारी हैं वो इस मैटर को सीरियसली लेंगे और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की ओर काम करेंगे। फिर योर सिंसियरली एक्स वाई जेड आपको लिख देना, नाम मत लिखिएगा। तो ऐसे आपको, मतलब लेटर लिखते समय आपको पहले अपना एड्रेस छोड़ा सा, किसको लिख रहे हैं वो लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर सर लिखकर अपनी प्रॉब्लम को बताना है, ठीक है। सर मैंने लिखा, अपनी प्रॉब्लम को बताया, फिर उनसे आग्रह करना है, मतलब इसी में सब कुछ आपको करना पड़ेगा। फिर आई होप लिखकर आपको बता देना है, फिर योर सिंसियरली एक्स वाई जेड, ठीक है, ऐसे आपको लेटर जाकर लिखना होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा लेटर राइटिंग। आगे देखते हैं, तो स्टूडेंट अब हमारा जो सेक्शन सी है, ठीक है, ये ग्रामर एंड ट्रांसलेशन होगा। सेक्शन ए मैंने आपको बताया अनसीन पैसेज, सेक्शन बी मैंने आपको बताया जो राइटिंग सेक्शन होता है, ठीक है, रीडिंग और राइटिंग हो गया, और सेक्शन सी आपका ग्रामर एंड ट्रांसलेशन होगा जो कि 25 नंबर का रहेगा, जिसमें 20 नंबर में आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन सिंटैक्स आइडियम्स एंड फ्रेजेज एंटोनिम्स सिनोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स होंगे, और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आपका 5 नंबर का रहेगा। इसमें देखिए एक ही तरीका है आपको 25 नंबर लाने का। देखिए, ग्रामर में आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन सिंटैक्स आइडियम्स एंड फ्रेजेज एंटोनिम्स सिनोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स होंगे। अब जिसने जिसने रूल्स पढ़ रखा है, जैसे आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारे रूल्स पढ़े हैं तो आप इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। वैसे ये सारे टॉपिक इजी होते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शंस भी आपको देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक ही करना होगा। सिंथेसिस में भी 2 रहेंगे, एक करना होगा। ट्रांसफॉर्मेशन में भी 2 रहेंगे, एक करना होगा। सिंटैक्स में भी वही होता है। तो इस तरह से आपको इसका करना क्या है कि डेली आपको लगभग 5 से 10 क्वेश्चन इसके अब सॉल्व करने हैं।
हैं, क्योंकि इसको इसका 25 मार्क्स लाने का एक ही तरीका है कि आप डेली प्रैक्टिस करते रहें, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें, 25 में 25 आपका आएगा, यही एक तरीका है। और अगर आपने रूल्स पढ़ रखा है तो इसको तो बहुत ईजिली आप लोग सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में जाकर। और इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिंटैक्स, तो उसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को। वैसे ग्रामर के बहुत सारी क्लासेस मैं आपको दे चुका हूं, आप लोग सर्च करेंगे क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा, बहुत सारी क्लास है, उसको आप लोग पढ़ेंगे आपका क्लियर हो जाएगा। इसी में हमारा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है 5 नंबर का, मतलब हिंदी का पैसेज रहेगा उसको इंग्लिश में आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा, ट्रांसलेट करना होगा, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये वही अच्छे से कर पाएगा जिसको टेंस पता होगा, मतलब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन जिसको आता होगा, क्योंकि उसमें कुछ खास नहीं रहेगा, हिंदी का पैसेज जो रहेगा उसमें टेंस के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसलेट करना होगा, ठीक है। तो ये 25 नंबर का टोटल आएगा, यानी कि हमारा जो ग्रामर सेक्शन है 20 नंबर का ये हो गया और 5 नंबर का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, 25 नंबर का टोटल ये आपका सेक्शन सी रहेगा, ठीक है। इसमें एक ही तरीका है इसको पढ़ने का कि आप लोग डेली बेसिस पर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है क्योंकि एग्जाम नजदीक है, ठीक है। तो सेक्शन सी भी आपका कंप्लीट होता है। चलिए सेक्शन डी को देखते हैं। अब देखिए हम लोग आते हैं सेक्शन डी पर जो कि लिटरेचर होगा, और ये टोटल 40 नंबर का आता है। सबसे ज्यादा नंबर का जो हमारा सेक्शन है वो सेक्शन डी ही है, जिसमें आपको प्रोज के क्वेश्चन दिए जाएंगे 15 नंबर के, पोएट्री के क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको 10 नंबर के, और सप्लीमेंट्री के 15 नंबर के, टोटल मिलाकर 40 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा। प्रोज में सबसे पहले सॉल्ट एंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि 2 क्वेश्चन होंगे, 8 नंबर आपको मिलेगा, 1 क्वेश्चन के लिए 4 नंबर, ठीक है। इसके लिए कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिससे आपके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। देखिए भले ही आपका ये ईयरली एग्जाम है लेकिन जो स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके इंग्लिश में। प्रोज में टोटल 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर जिसमें से 5 अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप सॉल्ट आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों का आंसर दे देंगे आसानी से। सबसे पहला चैप्टर द लास्ट लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा लॉस्ट स्प्रिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा डीप वाटर, चौथा द रैट ट्रैप और 5वां है इंडिगो। ये टॉप 5 चैप्टर है मेरे अकॉर्डिंग जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे, क्योंकि आपको सॉल्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ऑप्शंस मिलेंगे, एक नहीं पता तो दूसरा कीजिए, ठीक है। तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो इन 5 चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग में भी और सॉल्ट में भी। अब लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका यहां पे है नीचे, इसी में रहेगा 7 मार्क्स का। तो ये चैप्टर यही टॉप 5 चैप्टर हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर बाकी के 3 चैप्टर उनको ना पढ़े, देखिए उनको भी आपको पढ़ना है अगर बहुत अच्छा नंबर लेकर आना है। मतलब ये जो है उन वीक स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अच्छे से बिल्कुल तैयारी नहीं की है, वो टॉप 5 चैप्टर पढ़कर भी बहुत अच्छा मार्क लेकर आएंगे, ठीक है। तो हमारे प्रोज में ये 5 चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। लॉन्ग की दृष्टि से भी, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की दृष्टि से भी और सॉल्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से भी, तो दोनों जो टॉपिक हैं वो इस चैप्टर से आएंगे। और इनके मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करा रखे हैं, अगर आप लोग सर्च करेंगे द लास्ट लेसन चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, तो मैंने उसमें आपको सॉल्ट से लेकर लॉन्ग तक सारे क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, तो उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ऐसे मैंने चैप्टर वाइज सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को बताया, तो ये टॉप 5 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे पोएट्री में देखा जाए तो इसमें 2 चीजें आती हैं, एक तो आपका स्टेंजा आएगा पोएट्री में, ये आपका टोटल 10 नंबर का पोएट्री सेक्शन होता है जिसमें 6 नंबर का आपका स्टेंजा और 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया होता है, ठीक है। तो स्टेंजा में किस चैप्टर से आने के चांसेस है, टोटल 5-6 चैप्टर ही हैं जिसमें 3 चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टोटल 5 चैप्टर हैं शायद आप में। तो फर्स्ट है माई मदर एट 66, इस चैप्टर से स्टेंजा आएगा, मतलब इन चैप्टर को आपको हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ लेना है और इन्हीं 3 चैप्टर के सेंट्रल आइडिया भी आएंगे। 5 चैप्टर हैं आपके एग्जाम में, 3 ऑप्शन होते हैं सेंट्रल आइडिया के और 5 ही चैप्टर हैं, तो इन्हीं 3 में से तो आएगा, एक ना एक तो जरूर आना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयारी करना, ये जो टॉपिक होता है आपका इंग्लिश में ये बिल्कुल फिक्स होता है, जैसे आपके हिंदी में जीवन परिचय, कहानी, खंड काव्य, संस्कृत पद्यांश, ऐसे ही इसमें आपका स्टेंजा जो है सेंट्रल आइडिया एकदम फिक्स होता है, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर आपके स्टेंजा या एक्सट्रैक्ट जो होते हैं उसकी दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल आइडिया आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है और इसमें भी आपके ये 3 चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर अलग से नहीं लाया जाएगा, 5 चैप्टर है, 5 में से इन्हीं 3 चैप्टर में से सेंट्रल आइडिया आएगा। और सेंट्रल आइडिया जो है ये फिक्स टॉपिक होता है एग्जाम के लिए, मतलब इसको आना ही आना है, जैसे आपके
इंग्लिश में सिर्फ यही एक टॉपिक है जो फिक्स है, बाकी के जो सारे टॉपिक हैं वो फिक्स नहीं होते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल आइडिया लिखेंगे कैसे उसको भी जान लेते हैं। ठीक है, देखिए सेंट्रल आइडिया जैसे आपको मैं बता देता हूं, माई मदर एट 66 पर सेंट्रल आइडिया। ठीक है, इसमें देखिए कैसे लिखना है। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है जो आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है, उसका मेन पॉइंट जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो आपको सेंट्रल आइडिया में लिखना होता है। जैसे माई मदर एट 66 चैप्टर है, इसमें जो है लेखिका जो है अपने 66 ईयर की माँ के बारे में बताती है, 66 साल की माँ, ठीक है, उनको देखती है, उनके चेहरे को देखती है, तो उनका चेहरा जो है काफी ज्यादा पीला पड़ा होता है, तो उसी को वो देखती है, ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे वो हमें बताती है। तो सेंट्रल आइडिया जैसे दो एगेंग इज ए नेचुरल प्रोसेस एट द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड एंड नियर वंस इज वेरी पेनफुल। देखिए आप लोग जैसे सर्च करेंगे यूट्यूब पर माई मदर एट 66 सेंट्रल आइडिया शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने आपको डीपली वर्ड बाई वर्ड हिंदी मीनिंग बताया है, ठीक है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि दो अगेंग इज ए नेचुरल प्रोसेस एट द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड एंड नियर वंस इज वेरी पेनफुल। यानी कि यद्यपि जो बुढ़ापा है, उम्र का बढ़ना है, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, फिर भी अपनों और अपनों से बिछड़ने का दर्द बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है, ठीक है, डर जो होता है। द पोएम टॉक्स अबाउट द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस दैट एज्ड पीपल एक्सपीरियंस एंड द फीलिंग ऑफ गिल्ट व्हिच देयर ऑफस्प्रिंग एक्सपीरियंस फॉर नॉट बीइंग एबल टू बी विथ दियर पेरेंट्स इन दियर ओल्ड एज। यानी कि ये जो कविता है ये हमें उस अकेलेपन की भावना को भी बताती है जो एज्ड पीपल यानी कि जो वृद्ध आदमी अनुभव करते हैं, और उस आपराधिक भावना को भी बताती है जो उनकी ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतानें, जो उनकी संतानें अपने माँ बाप के बुढ़ापे में ना होने पर आपराधिक भावना को महसूस करते हैं, उसके बारे में भी बताती है। ठीक है, द पोएम ऑल्सो एक्सप्लोर्स द फीलिंग ऑफ मेलनकोली एंड पेन दैट ये डॉटर एक्सपीरियंस वाइल लिविंग हर मदर ऑल बाई हरसेल्फ एट ये राइप ओल्ड एज। और ये जो कविता है ये उस दर्द की भावना को भी बताती है जो एक लड़की जो पुत्री होती है वो अपने माता जी के उनके ओल्ड एज में उनके साथ ना होने पर अनुभव करती है, मतलब उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो पोएट्री में ये इतनी सारी चीजें आएंगी, मतलब आपका एक्सट्रैक्ट आएगा और सेंट्रल आइडिया आएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग चलते हैं सप्लीमेंट्री रीडर पे, इसमें क्या आएगा, ये भी टोटल आपका कितने नंबर का होता है, 15 मार्क्स का, जैसे प्रोज आता है। ठीक है, इसमें देखिए सॉल्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके आएंगे, सॉल्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये उसी तरह सेम रहेगा, दो क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर के, जिसमें आपका द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और द एनिमी, ये चार चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सप्लीमेंट्री रीडर में टोटल 6 चैप्टर हैं, 6 में से 4 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं बहुत आसानी से आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो ये चारों चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे इसके क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं अलग से। ठीक, तो चैप्टर वाइज आपको सॉल्ट क्वेश्चन लेना है, लॉन्ग क्वेश्चन लेना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, और आपको प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, अनसॉल्व पेपर, ये सारी चीजें भी आपको साथ में सॉल्व करते हुए चलना है, क्योंकि एग्जाम टाइम में ये आपके लिए वरदान साबित होते हैं। ठीक है, इसी में एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा 7 नंबर का। अब लॉन्ग क्वेश्चन भी इन्हीं 4 चैप्टर से आएगा, बाकी के जो 2 चैप्टर हैं उनको भी आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि उनको आप लोग मिस कर देंगे, काफी ज्यादा वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके सॉल्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन सप्लीमेंट्री रीडर में आएंगे। ठीक, तो इस तरह से आपके इंग्लिश का पूरा पेपर इस बार आने वाला है, यानी कि सेक्शन ए बी सी डी, सेक्शन ए और सेक्शन बी 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ठीक है, मैंने बताया था सेक्शन ए आपका 15 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी 20 नंबर का, सेक्शन सी 25 नंबर का, और सेक्शन डी जो होगा 40 नंबर का, टोटल 100 मार्क का ये पेपर होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ सेंट्रल आइडिया एक ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल फिक्स होता है, बाकी कुछ भी फिक्स नहीं है, उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट आज का ये क्लास यहीं पर फिनिश होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।